आज हम लोग क्लास 11 का रैखिक असमीकरणों लीनियर इनइक्वालिटी की प्रश्नावली 6.2 करेंगे, ठीक ना। ये पार्ट 2-6 है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, यक्स प्लस वाई लेस देन 5, ठीक ना। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित असमीकरणों को का आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, ठीक ना। ग्राफ खींचना है इसका हमें। तो देखिए, इसके पहले प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन में हमने बताया है, ठीक ना, कैसे किया जाता है। और प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, कभी भी कोई असमीका दिया हो, अगर उसको आलेख पर दिखाना हो, तो हम सबसे पहले इसको पहले हल करते हैं। और इसको हल करने के लिए इस असमीका को पहले हम बराबर में बदलते हैं, है ना। ये समीकरण में बदल गया, ठीक, x प्लस वाई बराबर 5। अब हम इस पर x का मान रखेंगे और उसके सापेक्ष में y का मान आएगा, और y का मान रखेंगे तो उसके सापेक्ष x का मान ज्ञात होगा। तो देखिए, x और y, और देखिए चूंकि ये रैखिक समीकरण है, इसमें एक रेखा प्राप्त होगी। तो रेखा प्राप्त करने के लिए केवल कम से कम 2 बिंदु हमें प्राप्त होने चाहिए, जिससे हम एक रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए, हम x बराबर 0 रख रहे हैं यहाँ पर। तो यदि हम यहाँ पर x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार हम यहाँ लिख भी लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस वाई बराबर 5। तो इस प्रकार y बराबर ये 5 प्राप्त हो गया। फिर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, देखिए ज़्यादातर प्रश्नों में x और y का मान 0 रखने से 2 बिंदु आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम 0 और x और y का मान 0 ही रख रहे हैं। मगर हर केस में नहीं, जरूरी नहीं होता है, ठीक ना। तो उसके हिसाब से फिर y का स्थान पे कोई और मान रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, जैसे हमने 0 रखा तो यहाँ भी संख्या पूर्ण संख्या में आ गया। कई कई 0 रखने पर पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती, भिन्न में भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए 0 हटा के कोई और मान रखेंगे। अब पूर्ण संख्या जब प्राप्त होती है तो उसको हमको ग्राफ पर दिखाने में इजी पड़ता है। तो y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 0 बराबर 5। तो ये आ गया x बराबर 5। तो यहाँ 0 रखा तो ये 5 प्राप्त हो गया। इससे अब हम ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक 5-5 है, तो हम 5-5 तक ले लेंगे। और इसमें x का मान और y का मान प्लस में ही है, तो अगर हम इसका ऋणात्मक भाग का अगर कम भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसको अगर हम थोड़ा कम भी कर दें, ठीक है, ये रहा, ठीक ना। तो यहीं पर हमको 5-5 ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ 5-5 लिख लेंगे। बराबर बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये y अक्ष है, ये y डैश, ये x अक्ष है, और ये x डैश। इस पर भी रख लेते हैं, -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब देखिए, x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0, y का मान 5, ये प्राप्त हो गया हमें। तो ये हो गया 0, 5। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5, 0 हो जाएगा, ठीक ना। इन 2 बिंदुओं से मिलाकर एक रेखा हम लोग खींचेंगे। अब देखिए, जैसे बताया कि असमीका है, और ये किस प्रकार की असमीका है, ये है सुनिश्चित प्रकार की असमीका, ठीक ना। मतलब इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक ना। केवल लेस देन और ग्रेटर देन के केस में हमको ये रेखा प्राप्त नहीं होती है, ठीक ना। जो हम ये रेखा खींच रहे हैं वो रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो क्या करेंगे, हम केवल इस तल को विभाजित करने के लिए वो रेखा को ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस रेखा को डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार दिखाना है हमें, इस प्रकार दिखा दिया, ठीक ना, क्योंकि वो यक्ष, ये हमको ये रेखा नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, ये तल 2 भागों में बट गया, ये ऊपरी अर्धतल हो गया और ये निचला अर्धतल हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कि इस असमीका का कौन सा तल है, है ना। देखिए, असमीका जब रहता है तो हमने बताया है कि असमीका पर कोई रेखा का हल नहीं आता, ये क्षेत्र प्राप्त होता है हमें, ठीक ना, ये रीजन प्राप्त होता है।
और ये रीजन क्या हो सकता है, दायां अर्धतल या बायां अर्धतल, ऊपरी अर्धतल या निचला अर्धतल प्राप्त हो सकता है, ठीक ना। और इस वाले सीधी अगर देखें बराबर है, समीकरण है, रैखिक समीकरण है, इसलिए हमको ये एक रेखा, इसका हल हमको रेखा प्राप्त होता है, ठीक ना। तो हमको इस असमीका में है तो ये क्षेत्र प्राप्त होगा, तो कौन सा क्षेत्र है ये चेक करने के लिए देखिए, इस के ये निचला अर्धतल का कोई एक बिंदु ले लीजिए या तो ऊपरी अर्धतल का कोई भी एक बिंदु इस असमीका पर रख कर देखेंगे कि क्या वो संतुष्ट करता है या इस कथन को सत्य, ये कथन सत्य रह जाता है या नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर हमको एक जीरो जीरो बिंदु प्राप्त हो रहा है, निचले अर्धतल का एक बिंदु हम जीरो जीरो ले रहे हैं, ठीक ना। चाहे तो हम वन वन भी ले सकते हैं, वन वन, ये टू टू भी ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस टू भी ले सकते हैं, माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस टू, कोई भी एक बिंदु लेकर इस पर हम देखेंगे कि क्या वह बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है। अगर करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला हमारा हल होगा, और यदि समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा तो मतलब समझेंगे कि हम वो वाला तल इस असमीका का हल होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर रखेंगे जीरो जीरो, ये हो गया जीरो जीरो, ठीक ना। इसका मतलब x बराबर जीरो और y बराबर जीरो रखने पर, तो देखिए ये रहा असमीका, इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन फाइव, ये हो गया जीरो प्लस जीरो, और इसको आया देखिए जीरो इज लेस देन फाइव, तो क्या ये सत्य है, क्या जीरो पाँच से छोटा है, तो बोलेंगे हाँ, तो लिखेंगे जो सत्य है। तो इस प्रकार ये जो बिंदु हमने लिया जीरो जीरो, वो इसको संतुष्ट कर दिया, मतलब ये जो हमको इसका क्षेत्र, ये जो हल होगा वो इस तरफ होगा, ठीक ना, क्योंकि इसके इधर जो ये वाला इसके तल पर कोई भी बिंदु इसको संतुष्ट किया है, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे इस प्रकार इसको लाइन खींच देंगे, ठीक ना, मतलब ये हमारा हल हो गया, ये निचला अर्धतल इस असमीका का हल हो गया। तो देखिए ये रहा आलेखीय निरूपण हो गया, ठीक ना, इस असमीका का आलेखीय निरूपण कर दिया। तो देखिए प्रश्न नंबर एक हमने कर लिया, अब प्रश्न नंबर दो हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर दो है, इसको भी आलेखीय निरूपण करना है, तो इसको हम पहले हल करने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर छः, ठीक ना, इसको रैखिक समीकरण में करेंगे, है ना, बराबर छः कर लिया, तो ये देखिए रैखिक समीकरण मिल गया। अब हम इसमें x के सापेक्ष y का और y के सापेक्ष x का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए बॉक्स बना ले रहे हैं हम, x ये y जीरो, यहाँ पर हम x बराबर एक बार जीरो रखेंगे, तो देखिए क्या आएगा, दो गुणे जीरो प्लस वाई बराबर छः, है ना, इसी में हम रख दिए हैं, तो ये हो गया जीरो, जीरो प्लस वाई बराबर छः, तो y का मान छः हमको प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ पर जीरो और ये छः रख दिए हैं, इसी प्रकार y का मान जीरो रख लेंगे, y बराबर जीरो रखने पर, तो रखेंगे देखिए 2x प्लस जीरो बराबर छः, तो ये आ गया 2x बराबर छः, x बराबर छः बटे दो, तो ये आ गया x बराबर तीन आ गया, तो यहाँ लिखते हैं तीन, ये जीरो। अब इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, तो देखिए इसमें कितना है, y का मान छः है, x का मान तीन है, ये x अक्ष हो गया, ये y डैश, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये है देखिए जीरो छः, है ना, तो x का मान जीरो, y का मान छः, तो ये हो गया जीरो छः, ये हो गया जीरो छः हो गया, फिर थ्री जीरो, तो ये रहा थ्री और जीरो, थ्री और जीरो,
इसको आप देखिए एक रेखा बनाना है। अब देखिए इस प्रकार की असमिका प्राप्त है, जिसका देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम ब्रेक करें तो देखिए हमको मिलेगा 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, है ना। इसका विस्तार इस प्रकार लिखते हैं कि मतलब 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इस प्रकार हमको देखिए ब्रेक करके ये दो प्राप्त हुआ। इसका मतलब देखिए इससे क्या होगा, इससे एक रेखा हमको प्राप्त होगी, ठीक ना। तो इस प्रकार जब कभी इस प्रकार की समीका होती है असमीका, तो हमको ये रेखा भी प्राप्त होती है, ठीक ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हम रेखा खींच दे रहे हैं और इसको पूरी सीधी लाइन से खींचेंगे, कट्टी लाइन से नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये भी हमारा हल होगा। तो ये लिख दिया, ये खींच दिया, और इसमें देखिए ये वाला असमीका है। इसको हम चेक करेंगे कि अब इस रेखा के साथ ही कौन सा तल इस असमीका का हल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये 0 0 यहाँ रख लेते हैं, इस असमीका पर देखते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा इसको तो बोलेंगे कि ये वाला तल हो जाएगा, वरना वो वाला तल होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 0 0, इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 2 × 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इसका मतलब देखिए 0 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बोला है 0 या तो 6 के बराबर है, जो गलत है ना, और बोलता है 0 6 से बड़ा है, तो ये भी असत्य है, ठीक ना, जो असत्य है। इसका मतलब इस तरफ का ये आंसर तो नहीं होगा, है ना, ये क्षेत्र इस तरफ जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। तो ये अपना इस क्षेत्र का ये उत्तर आ गया हमारा, ठीक ना। तो ये देखिए ये आंसर हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमने हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, इसको हमको आलेख पर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक समीकरण में बदलेंगे। तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर ये 12 हो गया, ठीक ना। तो इसमें हम पहले x का देखें, x का मान और y का मान रख के दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे देखिए x बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 × 0 प्लस 4y बराबर 12। तो ये 0 हो गया, तो ये आया 4y बराबर 12। तो y का मान कितना आ गया, 12/4, 4 × 3 = 12। देखिए y बराबर 3 प्राप्त हुआ, तो 0 पर ये 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए रखेंगे 3x प्लस 4 × 0 बराबर 12। तो ये पद 0 हो गया, तो ये प्राप्त हुआ 3x बराबर 12। तो x बराबर 12/3, 3 × 4 = 12। तो x का मान ये 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 4 आया y के मान पर 0 पर, ठीक ना। अब हम इसका आलेख खींचेंगे, 4 और 3 है, तो चारों तरफ 4 4 हम ले सकते हैं। ये है x अक्ष, ये है x डैश, ये है y अक्ष और ये है y डैश। मूल बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3। देखिए पहले है 0 पर 3, तो ये हो गया हमारा 0 3 हो गया, और ये है 4 0, तो ये है 4 और 0, ठीक ना। अब चूंकि इस प्रकार की असमीका है, बराबर भी है इसमें, ठीक ना, इसलिए इस ये रेखा भी इसका इस असमीका का हल होगा। इसलिए हम इसको पूरी कट्टी लाइन से नहीं खींचेंगे, पूरा सीधी लाइन खींचेंगे, ये खींच लिया, ठीक ना। अब ये अब इसमें देखेंगे कौन सा तल है, ये वाला तल ऊपरी अर्धतल है या निचला अर्धतल। इसके लिए हम ये मूल बिंदु 0 0 ही रख के देखते हैं इसमें।
तो ये हो गया जीरो जीरो, इसका मतलब x बराबर जीरो और y बराबर जीरो रखेंगे। तो रखते हैं, देखिए ये पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, आज समीकरण लिख लेते हैं, ये रहा। तो तीन गुणे जीरो प्लस फोर गुणे जीरो, इसका मतलब ये पूरा जीरो हो गया, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक ना। तो बोला देखिए जीरो या तो बराबर हो 12 के, जो नहीं है, मगर जीरो 12 से छोटा जरूर है, छोटा सही है, मतलब जो संतुष्ट कर रहा है ना। दो कंडीशन है, तो या तो छोटा हो जाए या तो बराबर हो जाए, तो छोटा वाला कंडीशन सूट कर गया। तो लिखेंगे जो सत्य है, तो सत्य है, तो इस प्रकार हमको ये वाला क्षेत्र हमको प्राप्त होगा इसका हल। तो ये हमको इस प्रकार हींच देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा हल प्राप्त हो गया। तो देखिए प्रश्न नंबर तीन हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर चार देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर चार है, इसमें लिखा है y प्लस एट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ठीक ना। हम इसको क्या करेंगे, या तो यहाँ पहले एक समीकरण में बदल लेते हैं इसको। तो देखिए लिखते हैं हम इसको, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक ना। इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर दिए, ठीक ना। नहीं करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमको x और y का मान यहीं से भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, अब 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8, है ना, पूरा पक्ष पलट दिए हम। तो ये छोटा था तो इधर भी देखिए छोटा ही है, ये 8 बड़ा है तो 8 बड़ा इधर भी है, ठीक ना। चाहे तो आप इसमें भी रखिए, अभी हमने इस रूप में बदल लिया, जो अभी तक असमीकरण इस रूप में दिया करता था, है ना, एक्स वाई अचर पद। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हल करना हो तो हम इसको एक रैखिक समीकरण में बदलेंगे, तो बराबर 8 लिख लिए। अब इसमें हम एक्स और वाई का मान रखेंगे, तो ये बॉक्स बना लिया एक्स वाई के लिए, जो भी बिंदु आएंगे इसको यहाँ रखे जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर जीरो रखने पर, तो जीरो रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, दो गुणे जीरो माइनस वाई बराबर 8। तो इस प्रकार आ जाएगा माइनस वाई बराबर 8 या y बराबर माइनस 8, तो ये हो जाएगा जीरो पर माइनस 8, और ये आएगा y बराबर जीरो रखने पर, तो जीरो रखेंगे तो 2x माइनस जीरो बराबर 8। तो x बराबर कितना जाएगा, 8/2 मतलब 4। तो यहाँ रखेंगे जीरो पर ये 4 प्राप्त हुआ है। तो इसको हम ग्राफ दिखा लेते हैं, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y अक्ष, और ये हो गया y डैश, ठीक ना। 4 है इस पर प्लस में, ये माइनस 8 पर है, ठीक ना। तो इसमें माइनस 1 तक करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 और माइनस 8, ठीक ना, ये y डैश। यहाँ पर कितना भी, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, आपको चाहिए 0, 4, है ना। तो x का मान 0 और y का मान 4, मतलब ये यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हम इसको 0 और ये 4 आ गया, ठीक ना, x का मान 0 और y का मान गलत हो गया, ये देखिए x का मान 0 और y का मान माइनस 8 चाहिए, तो ये रहा, ठीक ना। तो ये हो गया 0 और माइनस 8, अब ये है 4 और 0, तो ये है 4 और ये 0, 4 और 0, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं इस तरफ 4 और 0, ठीक, इस प्रकार आ गया। अब हम इसको एक लाइन खींचेंगे, अब देखिए इस प्रकार का समीकरण है, बराबर भी है इसके अंदर, तो इसलिए ये रेखा भी हमको इस समीकरण का हल प्राप्त होगा, है ना, इस असमीकरण का हल होगा ये। तो हम इसको डार्क लाइन से खींचेंगे, तो ये हमने एक स्केल से, आप इसको सीधे लाइन खींचिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। अब देखेंगे कि कौन सा तल होगा, ऊपरी अर्धतल या इसका निचला अर्धतल इस असमीकरण का हल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर 0, 0 रख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 0 और 0 रख रहे हैं हम, इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर।
तो लिख रहे हैं, देखिए x प्लस एट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x, ये असमिका दिया हुआ था, तो हम y का मान 0 रख लिए, प्लस 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 8, ये 0, ठीक ना। तो क्या बोला है, देखिए 8 बराबर है 0 के, तो 0 तो बराबर नहीं है, मगर 8 बड़ा जरूर है 0 से, है ना, तो बड़ा है जरूर इसके, मतलब ये वाला बिंदु इसका संतुष्ट कर रही है, लिखेंगे जो सत्य है। इस प्रकार हमको ये हमको ये जो क्षेत्र प्राप्त हो ना, ये हल है इसका, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको छायांकित कर देंगे, तो ये हमारा हल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार देखिए हमने प्रश्न नंबर 4 हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 5 का हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम एक रैखिक समीकरण में बदल लेंगे बराबर 0 करके। अब हम इसमें x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान ज्ञात होगा, तो ये रखा, ये बॉक्स बना लिया। अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो लिखिए 0 माइनस वाई बराबर 2, तो इस प्रकार y बराबर कितना आ गया, माइनस 2, ठीक नहीं, माइनस उसको दे दिए। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर, ये बॉक्स भर लेते हैं, ये आया माइनस 2, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 0 बराबर 2, x में 0 गया तो x ही आएगा, तो इस प्रकार ये 0 पर ये 2 आ रहा है। बस इसको ग्राफ पर हम दिखा लेते हैं, x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश, दो दो तक है, तो करेंगे हम इसको 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 और -3। सबसे पहले 0 पर -2 है, देखिए x का मान 0, y का मान -2, तो ये हो गया 0 -2। इसी प्रकार 2 0, x का मान 2 पर y का मान 0, मतलब ये यही हो जाएगा 2 और ये 0 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार का असमिका है, मतलब बराबर भी है इसमें, इसका मतलब ये जो रेखा हमको प्राप्त होगी वो भी इस असमिका का हल होगा, इसलिए हम इसको डार्क लाइन से दिखाएंगे, इसको ऐसे ऐसे सीधा, ठीक। अब देखिए दो तल में विभाजित हो गया, हम देखेंगे कौन सा तल इसको इस असमिका का हल है, इसके लिए हमको एक बिंदु मूल बिंदु को ही यहाँ रख के देखते हैं, 0 0 रखने पर, ठीक ना। तो x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए असमिका लिख लिए, मान रख देते हैं 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो देखिए 0 2 से तो छोटा ही है, तो जो सत्य है, जो सत्य है, इसका मतलब हमको ये वाला तल आंसर प्राप्त हुआ, ठीक ना, ये इसके हल है, ठीक ना। ये बिंदु जिस तरफ होगा उसी तरफ का ये हल होता है, जैसे 0 0 इस तरफ आया, मतलब इस तरफ का आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये देखिए हमने इसको हल कर लिया, प्रश्न नंबर 5 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 6 करना है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है ये, इसको अब हम लोग हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम एक रैखिक समीकरण में बदल लेंगे बराबर 6 करके, ठीक ना, जिससे हमको एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें हम लोग करेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 करके, कम से कम दो बिंदु हम ज्ञात करेंगे इससे, तो ये x y इनके लिए बॉक्स बना लिया, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए क्या होगा, 2 × 0 -3y बराबर 6, ये पद तो 0 हो गया, बचा क्या, -3y बराबर 6, तो y का मान 6/-3, 3 × 6, तो y का मान कितना आया, -2, यहाँ रख लेते हैं। इसी प्रकार अब y का मान 0 रख के देखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो
दो एक्स टू एक्स माइनस तीन गुणे जीरो बराबर छः, तो ये पद जीरो हो गया, ये आया टू एक्स बराबर छः, तो x का मान कितना आया छः बटे दो मतलब तीन आया, तो x बराबर तीन, तो x का मान तीन y का मान जीरो आया। तो इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे अब। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y अक्ष, ये y डैश, इसको रखेंगे, ये जीरो वन टू थ्री फोर, इसी प्रकार इधर वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर, ठीक ना। तो देखिए पहले जीरो और माइनस टू, जीरो माइनस टू ये आ जाएगा, ये हो गया जीरो माइनस टू, फिर हो गया थ्री और जीरो, तो एक्स का मान ये हो गया, ये हो गया क्या थ्री और ये जीरो, ठीक है, थ्री और जीरो, ये जीरो माइनस टू। इसको अब देखिए, ये असमीका है, सुनिश्चित प्रकार की असमीका है, इसलिए इसमें ये रेखा जो हम खींच रहे हैं वो उसका हल नहीं होगा, ठीक ना, इसलिए हम इस रेखा को अब कटी कटी लाइन से खींचेंगे इस प्रकार, ठीक ना, इस प्रकार खींचेंगे, ये हो गया, ठीक ना, ये बराबर करके हमने हल किया, तो इससे हमको ये रेखा, मतलब हमको ये रेखा प्राप्त हुआ जिससे हमको ये पता चला कि दो तल इस प्रकार विभाजित होंगे। अब इनमें देखिए, इस असमीका का हल या तो ये ऊपरी अर्धतल होगा या तो निचला अर्धतल होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम इससे संबंधित कोई भी एक बिंदु रख लेंगे और इस असमीका को देखेंगे संतुष्ट करती है कि नहीं। तो हम यहाँ पर भी वही मूल बिंदु के निर्देशांक रख रहे हैं, जीरो जीरो, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो, तो ये असमीका हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। हम यहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं और y का मान भी 0 रख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा ये 0 हो जाएगा। तो बोलता है 0 6 से बड़ा है, ये तो गलत है, इसलिए इधर का हल नहीं होगा, हमको इधर का हल प्राप्त होगा। देखिए ये हो जाएगा, ठीक ना, तो ये हमारा हल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखिए, प्रश्न नंबर 6 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, इसको हमको हल करना है, इसके लिए हम सबसे पहले इसको एक रैखिक समीकरण में बनाएंगे, बदलेंगे, तो हमने बदल लिया बराबर करके, अब इसमें हम x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे, तो उसके सापेक्ष हमको y और x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये x ये y के लिए हो गया, लिखेंगे x बराबर जीरो रखने पर, तो देखिए माइनस तीन गुणे जीरो हो गया, ठीक ना, प्लस टू वाई बराबर माइनस छः। देखिए ये पद तो पूरा ख़त्म हो गया, ये हो गया टू वाई बराबर माइनस छः, वाई बराबर माइनस छः बटे दो, दो तिहाई छः, तो ये हो गया y बराबर माइनस तीन, ठीक ना, तो जीरो पर ये माइनस थ्री प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे y बराबर जीरो रखने पर, तो ये हो जाएगा, देखिए यही रख लेते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस दो गुणे जीरो बराबर माइनस छः। देखिए ये पद तो समाप्त हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स बराबर माइनस छः, देखिए दोनों माइनस कैंसिल हो गया, x का मान देखिए पक्षांतर होगा तो तीन दूनी छः कट के आ जाएगा, तो इस प्रकार ये जीरो पर ये दो प्राप्त हुआ। अब हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं, तो ये देखिए ये हो गया, ये हो गया x अक्ष, x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश हो गया, ठीक ना। तो इसको रखते हैं मूल बिंदु जीरो, वन टू थ्री फोर, और ये वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर। देखिए सबसे पहले जीरो पर माइनस थ्री है, तो जीरो पर माइनस थ्री ये हो गया, जीरो माइनस थ्री, और ये टू जीरो हो गया, ये टू और ये जीरो, ठीक ना।
अब देखिए ये बराबर, इसमें बराबर भी है, इसलिए ये रेखा जो प्राप्त हो रही है हमको, इसका ये इस अस्मिका का वो भी हल होगा, इसलिए हम इसको डॉट लाइन से खींचे, पूरा सीधा सीधा लाइन से खींचेंगे इसे। ये हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा इस तरफ वाला तल होगा कि इस तरफ वाला, इसके लिए हम यही मूल बिंदु ही रख के देखते हैं। यहाँ पर देखिए जीरो जीरो रखेंगे, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो। तो असमीका रख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे जीरो प्लस 2 गुणे जीरो, ये हो जाएगा, देखिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। तो देखिए बराबर तो नहीं है मगर बड़ा ज़रूर है ना। शून्य किसी भी ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ा ही होता है, तो लिखेंगे जो सत्य है। तो सत्य है तो इसका मतलब हमको इधर वाला ये तल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक ना, तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 7 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, इसको हमें हल करना है। तो इसको हम पहले एक समीकरण में बदल लेंगे बराबर 30 करके, ठीक ना। अब हम एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, बॉक्स बना लेते हैं पहले, ये बॉक्स बना लिया, x और ये y दो बिंदु चाहिए, एक रेखा खींचने के लिए पर्याप्त होता है इतना। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो देखिए 3y माइनस 5 गुणे 0 बराबर 23। तो ये पद समाप्त हो जाएगा, बचेगा 3y बराबर 23, तो y बराबर 30 बटे 3, तो ये कट के 10 आ जाएगा, तो y बराबर ये 10 आ गया। फिर इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 माइनस 5x बराबर 23, तो ये पद समाप्त हो जाएगा, ये आएगा माइनस 5x बराबर 30, तो ये जगह x बराबर 30 बटे माइनस 5, तो 5 छक्के 30, तो x का मान क्या आया माइनस 6। तो 0 पर देखिए क्या आया 10, और x y 0 पर क्या आया माइनस 6 आया। ठीक ना, तो इसको आप देखिए ग्राफ पर दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष x डैश हो गया। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये y अक्ष हो गया, और ये -1 -2 -3 -4 -5, ये y डैश 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, -6 तक है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, -5 और -6, ठीक ना, एक्स डैश हो गया। इसको थोड़ा सा अब देखिए दिखाएंगे, एक्स का 0 और वाई का मान 10, तो ये रहा 0 10, तो ये आया 0 और ये 10 हो गया। फिर ये x का मान -6 और 0, तो यहीं पर हो जाएगा -6 और ये 0 हो गया। अब देखिए असमीका इस प्रकार की है, असमीका है मतलब हमको ये रेखा जो हम खींचेंगे वो इसका हल नहीं होगा, इसलिए हम इसको कटी कटी लाइन से खींचेंगे। देखिए इस प्रकार खींचेंगे, ठीक ना, ये हुआ। अब इसमें देखिए कौन सा तल होगा, इधर का होगा कि इधर का होगा, तो यहाँ पर हम 0 0 रख के देख लेते हैं यहीं पर, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे 0 0 रखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 पर रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 माइनस 5 गुणे 0 लेस देन 30, तो इसका मतलब 0 लेस देन 30, तो देखिए क्या हुआ, 0 30 से कम है, बात सही है। तो इसको हम ये वाला ही तल लिखेंगे, देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये वाला तल आ रहा है, तो इसको हम इस प्रकार लाइन खींचेंगे।
तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 8 हमने हल कर लिया और प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 है तो इसको हम हल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम y बराबर माइनस 2 रख लेंगे, ठीक ना। तो y बराबर माइनस 2 का मतलब होता है कि आप x का कोई भी मान रखिए y हमेशा माइनस 2 ही प्राप्त होगा। देखिए जैसे अगर बॉक्स में बनाना चाहें तो हम इसको बॉक्स में बना लेते हैं। देखिए x है, ये y है, देखिए y का कोई भी मान रखिए आप, 0 रखिए, माइनस 1 रखिए, ये रखिए 0 रखिए या माइनस 1 रखिए, आपको आंसर y में हमेशा 2 आएगा ही, ठीक ना। ये मतलब होता है इसका। तो यदि हम इसका ग्राफ पर खींचें तो देखिए ग्राफ पर क्या आएगा, देखिए ग्राफ सीधा खींचिएगा, ये हो गया, ये रहा x अक्ष और ये है x डैश, ये है y अक्ष, ये है y डैश, ये 0, ये लिखेंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 ठीक ना, -4 का मान कुछ भी आ रहा है तो देखिए y का मान देखिए -2 आ रहा है ना, ये -2 है तो -2 लिखेंगे। तो अब हम ग्राफ खींच देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा, वो गलती से ऊपर लिखा रहा था, ठीक ना, वो +2 है, ये -2, ये -2 हमको दे रहा है ना, तो -2 के लिखेंगे। अब यहाँ पे कटी कटी लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए अब जो कंडीशन आया कि 0 छोटा है -2 से, मतलब ये कंडीशन सत्य नहीं हुआ, जो असत्य है, ठीक ना, क्योंकि 0 किसी भी ऋणात्मक संख्या से छोटा नहीं होता है, ठीक। तो इसका मतलब हमको ये वाला हम ऐसा तल लेंगे जो इसमें ये बिंदु ना आए, मतलब हमको इस तरह का तल नहीं लेना है, हमको नीचे वाला तल लेना है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हमें ये हल प्राप्त हो गया। देखिए इसके बाद एक अंतिम प्रश्न बचा है, प्रश्न नंबर 10, उसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में है यक्स बड़ा है -3 से, तो इसको हम हल करने के लिए यक्स बराबर -3 कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए एक्स बराबर -3 का मतलब होता है अब आप वाई का कोई भी मान रखिए, आपको एक्स का मान हमेशा -3 ही प्राप्त होगा, ठीक ना। तो देखिए इसका मतलब ये होता है, हम लिख लेते हैं एक्स और वाई, देखिए वाई का मान अगर आप -1 लीजिए या 0 लीजिए या 1 लीजिए, आपको एक्स का मान हमेशा -3 ही प्राप्त होगा, इसका मतलब ये होता है। तो अब हम ग्राफ खींच लेते हैं इसका, ये x अक्ष, ये मूल बिंदु, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सॉरी माइनस नहीं आएगा इधर, है ना, ये रहेगा -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। देखिए इसमें है x का मान आपको हमेशा -3 ही आएगा, ये वाला हमेशा प्राप्त होगा, ठीक ना। y का मान कुछ भी रख लीजिए आप, यहाँ पर ही हमको प्राप्त होगा। देखिए ये रेखा हमने खींच दिया, ये मतलब अगर x बराबर कुछ दिया हो तो y अक्ष के समांतर हमको रेखा प्राप्त होती है, ठीक ना। इसके पहले वाले प्रश्न में y बराबर था इसलिए हमको x अक्ष के समानांतर प्राप्त हो रही थी। अब चूंकि देखिए ये सुनिश्चित प्रकार की असमिका है इसलिए ये रेखा भी हमारा हल नहीं होगा, इसलिए हम इसको कटी कटी कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए हमको इधर वाला है तल या इस तरफ, दायां अर्धतल या बायां अर्धतल, तो देखेंगे हम यहाँ पर 0 0 ही रख लेंगे, तो x बराबर 0 या y बराबर 0। तो देखिए इस वाले में जाएगा x ग्रेटर देन -3 लिखा हुआ है, मतलब 0 इज ग्रेटर देन -3। तो देखिए बोल रहा है क्या 0 -3 से बड़ा है, तो बोले हाँ ये बड़ा है। तो इस प्रकार हमको ये वाला तल चाहिए जिसमें हमको ये बिंदु आए, तो हमको ये वाला तल लेने पर ही दायां अर्धतल लेंगे तभी हमको ये बिंदु आएगा, इसलिए हमको ये हमारा ये आंसर हो गया। तो देखिए इस प्रकार प्रश्नावली 6.2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रश्नावली 6.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे।